नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए जनरल साइंस के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 13 क्वेश्चंस जो जनरल साइंस में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करेंगे आपके साथ में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। जो चार ऑप्शन दे रखे इन चारों में से अलग कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फेराडे गैस का प्रसार। ये जो खोज के बारे में पूछा गया जैसे रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहा होगा। बताइए इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। कोपरनिक्स, किसके द्वारा, कोपरनिक्स के द्वारा की गई थी। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था, कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हरगोविंद खुराना। चेचक के टीके की खोज किसने की, चेचक के टीके की खोज किसने की, लुईस पाशर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ओपरेन ने। ऑप्शन नंबर तीन आपका राइट आंसर है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, यस विलियम्स हार्वे, यस विलियम्स हार्वे के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, इनमें गलत युग्म पूछा गया है। तो इसका देखिए एक तरफ दे रखा है नाम और दूसरी तरफ वैज्ञानिक का नाम दे रखा है। तो इसका देखिए प्रेशर कुकर, कुकर की खोज अलेक्जेंडर ट्विंग ने नहीं की थी, तो ऑप्शन नंबर आपका चार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यस अगला क्वेश्चन है, फोटोवोल्टिक प्रभाव का अवधारणा किसने दी थी, फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका दो, एडम बेकर। अगला है प्लेट वितरितता का सिद्धांत किसने दिया, प्लेट वितरितता का सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड वेगर ने। ऑप्शन नंबर चार आपका राइट आंसर है। अगला देखिए मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत किसने की, फ्रांसीसी सरकार, इसके सरकार द्वारा, फ्रांसीसी सरकार के द्वारा की गई। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया, बिल्कुल ऑप्शन डी लाजमो बायो। गोल रिदम सारणी की खोज किसने की, गोल लोग रिदम जॉन नेपियर। शून्य की खोज किसने की, शून्य की खोज किसने की, 13 नंबर प्रश्न, भारतीयों के द्वारा। वायुयान का आविष्कार किसने किया, वायुयान का आविष्कार किसने किया, राइडर ब्रदर्स। ऑप्शन नंबर आपका एक राइट आंसर है। ब्लेज पास्कल का संबंध निम्न में से किससे है, कैलकुलेटर, क्या है, कैलकुलेटर से है। पौधे में भी जीव होता है, पौधे में भी जीव होता है, इस बात की खोज किसने की थी, जगदीश चंद्र बोस ने की। टेलीफोन का आविष्कार
टेलीफोन का टेलीफोन के आविष्कार कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राम बेल। प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा था रोमन, किसने? रोमन। डॉक्ट्री थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया? फारेनहाइट। ऑक्सीजन की खोज किसने की? पिस्टल ने की। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था? प्रयोग करते थे। 21 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर एक, रिएक्टर पैमाना। क्या है? रिएक्टर पैमाना। फेदोमीटर का प्रयोग किसकी मापने के लिए? देखियो, फेदोमीटर का प्रयोग किस मापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर। 22 नंबर प्रश्न, समुद्र की गहराई। क्या है? समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का आविष्कार किया जाता है। कोर्नोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। तेईस नंबर प्रश्न, इस 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सूर्य की आभा मंडल का अवलोकन एवं समय समय पर उनका चित्र खींचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी डी आपका राइट आंसर। वायु गतिक से आप क्या समझते हैं। 24 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर है यह हवा या गैस की परवाह से संबंधित विज्ञान है। बायोलॉजिकल क्या? 25 नंबर प्रश्न, काइक और हेपेटिक्स का अध्ययन। कायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हाथ का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? एंटोमोलॉजी। यस, एंजाइम। क्या है? एंजाइम। पृथ्वी पर निवास स्थान में होने वाले वृद्धि का अध्ययन क्या कहलाता है? 28 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर निवास स्थान पर होने वाला अध्ययन क्या कहलाता है? 28 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर है जियोटेक्निक्स। थेलेसोग्राफी किससे संबंधित विज्ञान है? विज्ञान की एक शाखा है उनके बारे में। यस, समुद्र की। क्या है? समुद्र की शाखा, एक प्रकार की समुद्र की शाखा है। अगला देखिए, टोपोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है? देखिए 30 प्रश्न है, 30 ही इंपॉर्टेंट है। स्थानों और प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करना। यस, क्या है? स्थानों और प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करना कहलाता है। तो आज हमने 30 प्रश्न किए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए। दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।